तो जय श्री राम भाइयों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द राष्ट्रवादी में। और दोस्तों आज की वीडियो होने जा रही है राष्ट्रवादी पत्रकार रूबिका लियाकत के ऊपर। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आप तक ऐसी ही वीडियोज लाते रहते हैं। वो 4 मिनट 35 सेकंड का पूरा वीडियो देखा, शुरुआत के 1.5 मिनट मुझे फिर भी ठीक ठाक लगा। उसके बाद असहिष्णुता तो एजाज आप फैला रहे हैं, आप धमका रहे हैं। पायल रोहतगी जो बात कह रही हैं, मैं उसको इंडोर्स तक नहीं करना चाहती हूँ। मैं पायल रोहतगी की बात तक नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन आप एक औरत के साथ इस तरीके की बातें बताइए। नहीं, क्या मतलब है कि हम बड़े का गोश्त खाते हैं, नल्ली नहारी खाते हैं, गर्मी आती है, ये क्या बताना चाहते हैं आप? क्या समझ रखा है आपने औरतों को? गर्मी क्या वो मतलब कह रही है, वो कह रही है कि मुसलमानों के इतने बच्चे क्यों हो रहे, मुसलमान इतने बच्चे कैसे पैदा कर रहे, मुसलमान ये क्या कर रहे, मुसलमान तो वो क्या कर रहे। अरे वो क्या गायनेकोलॉजिस्ट है? वो क्या इजाज गायनेकोलॉजिस्ट है? आपको वो सर्टिफिकेट देंगी? आपको क्या पढ़ी है? और आप इस्लाम के बहुत बड़े जानकार हैं, मुझे ये बताइए तो कितनी आयतें हैं कुरान में, बताइए मुझे। बहुत आप जानकार हैं ना, 56 कंट्रीज में इस्लामिक रूल्स एंड रेगुलेशन चलाते हैं। कितनी बताइए मुझे, कितनी आयतें हैं कुरान में? और आप कितनी आयत जानती है? आप मेरे से सवाल ये क्यों कर रही है? ज्ञान मत दीजिए मुझे, बताइए। अरे मेरे पक्के सच्चे मुसलमान है, मुझे ज्ञान मत दीजिए। कितनी आयतें हैं? मुझे ज्ञान मत दीजिए, भटकाइए मत, ज्ञान दीजिए, भटकाइए मत, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे मत बताइए। एजाज खान बताइए, बता के बगैर बताइए, जाइएगा आप बताइए, कौन सी मुसलमान कंट्री में, कौन सी मुसलमान कंट्री में कुरान की आयत है पूरी की पूरी दुनिया मुसलमानों से भर जाएगी? आयत अभी छोड़िए, मुझे बताइए, ये बोलिए कौन सी मुसलमान की कंट्री में, आप ये बताइए, सारे हिंदू काम करते हैं, पूरी दुनिया को मुसलमानों से भर कर रख देना है? इजाज खान मुझे ये बताइए, कुरान अखलाक की बात करता है, सबको बनना ही है एक दिन, कुरान रिश्तों की बात करता है, कुरान धमकाने की बात नहीं करता है, बदतमीजी की बात नहीं करता है, हमने किसको धमकाया, बेइज्जती की बात नहीं करता है। तो ये लोग हमको मारेंगे, आप जानते क्या है, वजू कीजिए, किसी महिला के बारे में इस तरीके की ओछी बातें शोभा देती है आपको? आप देखिए, क्या महिला, क्या महिला, क्या महिला की आप बात कर रही हैं? आप सारी महिलाओं को छोड़िए, रूबिका लियाकत के सवाल का जवाब दीजिए, पक्के सच्चे मुसलमान। मेरी नीयत साफ है कि मैं न्याय के मामले में ना जाति धर्म देखता हूं, बहनों के मामले में ना जाति धर्म देखता हूं, और ना ही अन्याय को बर्दाश्त करता हूं। मेरी पहचान ही यही है। मैंने जब से मैं ये काम शुरू किया तब से अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, और हजारों मामले ऐसे जिनमें न्याय दिलाने के लिए मैंने संघर्ष किया। बेटियों के लिए लगातार आप आगे बढ़ते रहे हैं, बेटियों के लिए वजह से जानती हैं आप मुझे। नहीं नहीं, चंद्रशेखर जी, आपके आपके बारे में अच्छी खासा होमवर्क करके, अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई कर यहाँ आई हूँ। मुझे पता है कि आप स्कूल्स चलाते हैं, मुझे पता है कि आप दलितों के लिए कितना काम करते हैं, लेकिन मुझे यकीन है आपको ये भी पता होगा कि एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि 3486 बच्चियों के साथ रेप हुआ SC ST, ठीक है? कितने लोगों से मिलने के लिए आप गए, कितने परिवारों से मिलने गए आप, कितनी बेटियों के परिवारों से मिले? मेरा ये मानना है कि पैसे के लिए गरीबी हो, मुफलिसी हो, तंगी हो, भुखमरी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अल्लाह के नाम पर कुछ भी कर डालेंगे। ये लोग करते हैं, ये लोग इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी कर जाएंगे। दिस इज नो एक्सक्यूज। रूबिका जी, दिस इज नो एक्सक्यूज। देश में तो अल्लाह का नाम लेने वालों को मारा जा रहा है। अल्लाह हू अकबर, ये बैठ के मैं बोली, किसने मारा मुझे बताइए? अल्लाह हू अकबर, ये कहा मैंने, अल्लाह हू अकबर। अभी बता दूं, 130 करोड़ जनता सुन रही है, अल्लाह हू अकबर। जी साहब, सेना पे कोई सियासत नहीं कर रहा, इनका सवाल गलत है, करने दीजिए, इनका सवाल गलत है। सेना पे कोई सियासत नहीं कर रहा है, सिद्धू क्या कर रहे हैं? सियासत कर रही है सिद्धू, क्या कर रहे हैं? ऐसे सवाल क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं अब क्लियर करती हूँ इस चीज को। बात हो गया अखिलेश जी, आप तो क्या चालाकी से राजनीति करते रहेंगे और सीधा सीधा आप हम पर आरोप लगाएंगे, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होने दूंगी। मैं बताती हूँ आपको, मैं बताती हूँ आपको, ऑपरेशन किसने किया, ऑपरेशन किसने किया? सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिए, सीधा सवाल का सीधा जवाब दीजिए, सीधा सवाल किया है, सीधा जवाब दीजिए, सीधा सवाल किया है, सीधा जवाब दीजिए। पाकिस्तान में फाइटर प्लेन लेकर कौन गया था? सवाल, फाइटर प्लेन लेकर कौन गया था? बदनाम कर रही है, काम डाउन, कोई सेना से पहले काम डाउन, काम डाउन, मैं बताती हूँ कैसे। कौन कहाँ गया था? काम डाउन,
कौन गया था? कहां कौन गया था? कौन गया? पाकिस्तान पर हमला किसने किया? मोदी जी गए थे पाकिस्तान पर हमला, मोदी जी गए थे आम अमरूद संतरा लेकर। बताइए अखिलेश जी, मजाक की बात नहीं है, हल्का मत कीजिए इस डिबेट को। पाकिस्तान पर हमला, हल्का मत कीजिए पाकिस्तान पर इस हमारे सैनिकों को पाकिस्तान ने 40 सीआरपीएफ जवानों की शहादत के बाद ऑपरेशन हमारे भारतीय सेना ने उसका बदला लिया। अखिलेश प्रताप सिंह, मैं अपने सवाल सेना पे कौन सवाल खड़ा कर रहा है, बार बार सेना को बीच में ला रही है। मुझे आपको बीजेपी का गुणगान गाना है, गाइए, लेकिन सेना को बीच में क्यों ला रही है? गुणगान करने वाला मुझे आपके नकली सर्टिफिकेट की प्लीज सेना को छोड़ दीजिए। सेना को बीच में घसीटना बंद कर दीजिए, छोड़ दीजिए सारी चीजें। मेरे सवाल का जवाब दीजिए, अनुरोध आप चैनल मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं अनुरोध कर रही हूँ। हाथ जोड़ के सर, हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए और मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सेना को बीच में मत लाओ, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अपने आप अपने, मैं सेना का नाम तक नहीं लूंगी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए और खत्म कीजिए। मेरा सवाल सुनिए, ऑपरेशन किसने किया? आपने अभी सवाल किया जनरल से, ऑपरेशन किसने किया? पाकिस्तान को जवाब किसने दिया? किसने दिया? किसने दिया? सेना ने दिया। वंडरफुल, सेना ने दिया। वंडरफुल, सेना ने दिया। सेना पे देश को गर्व है। सेना पे आज तक कोई देशवासी ने सवाल नहीं खड़ा किया। MiG-21 किसने चलाया? सेना ने। क्या फाइटर प्लेन किसने चलाया? सेना ने। सेना ने चलाया, ओके। और जो पकड़ गया, जो लॉन्चिंग पैड हो या ट्रेनिंग कैंप हो, उसको पूरा देश ध्वस्त किया, पूरा देश जवाब दीजिए ना, इधर उधर मत जाइए, किसने किया? और भाषण कौन दे रहा था? अरे छोड़ दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तीन दिन कैप्टिविटी में था, किसने किया? कौन दे रहा था? अरे ट्रेनिंग कैंपों को ध्वस्त किसने किया? अखिलेश प्रताप सिंह, डर रहे हैं आप, डर रहे हैं। आपको पता है कि मैं इन सवालों से आपको कहां ले जा रही हूँ? आप भाग गए हैं कि आप अपने ही आरोपों में फंस जाएंगे। गुस्सा था हर कार दिख रहा है, आप जिस तरीके से लगातार बोले जा रहे हैं दिख रहा है। ऑपरेशन करे सेना, कर रहा था टारगेट लॉक करे सेना, लड़ाकू विमान उड़ाए सेना, विंग कमांडर अभिनंदन। एक सेकंड सुनते चले जाइए, सुनते चले जाइए। ट्रेनिंग कैंप को ध्वस्त करे सेना, बीजेपी के नेता ने। तो फिर कितने आतंकी मरे, पेड़ गिरे या जंगल पर बम गिरा, ये सवाल किससे पूछ रहे हैं? सेना से ही पूछ रहे हैं ना, उसकी बात नहीं है। सच ये है कि जय श्री राम के नारे लगवाते थे, मुसलमानों को मार दिया गया। याद नहीं है? सच ये है आपको दुर्गा मंदिर छोड़ा गया तो वो याद नहीं है? से और पठान दल से ऐसी बातें कर रहे हैं? बताओ एक एक करके, एक एक करके बताओ कितने हिंदुओं को लिंच किया गया है? अभी अभी माँ दुर्गा का मंदिर तोड़ा गया है। खुदा ना खास्ता अगर किसी दरगाह की चादर भी उड़ जाती तो कितनी तबाही मचती है जास खान, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। और फिर कहते हैं मुसलमान डरा हुआ है। आप मोदी जी की है, मुझे पता है, आप टेंशन ना लीजिए। एजाज साहब थोड़ा सा सब्र करें। मोदी जी से ऐसे सवाल, एजाज खान साहब के ये जो थोड़ा सा सब्र करें, मंत्री का पूरी दुनिया में मालूम है कि आपका एक टारगेटिंग ऑडियंस हंस रही है, पूरी दुनिया हंस रही है। भारत देश पीछे होता चला जा रहा है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बनाना है भारत देश की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ये क्या है? जय श्री राम, इसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? इमाम हिंद है वो, जय श्री राम, क्या दिक्कत है इसमें? जबरदस्ती बुलवाओगे, इससे मेरा ईमान खराब हो जाएगा। जय श्री राम, इससे ईमान खराब हो जाएगा। ईमान आप जैसे लोगों की वजह से खराब होता है, आपके अखलाक की वजह से खराब होता है। जय श्री राम से खराब नहीं होता है। क्यों आपके होटो पर ताले लग गए हैं? बोलिए ना, बोलो जय श्री राम। हम नहीं बोलने वाले मिस्टर एजाज खान, बोलो एजाज खान, आप खामोश होकर बात सुनिए। आपने जितनी आग लगानी थी आप लगा चुके हैं। मैं मानता हूं कि आप सी ग्रेड के कैरेक्टर हैं, आपको फिल्म्स नहीं मिल रही हैं, टीवी सीरियल्स नहीं मिल रहे हैं, है नहीं मिल रहे हैं, कौन आप इस तरह की भाषा बोलकर, आप या पायल रोहतांगी, ये लोग ऐसे लोग हैं जो इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर तू कौन है देश के अनपढ़ लोगों को अपना टारगेट बनाते हैं और इस तरह की भाषा पेश करके मसाला देते हैं उन लोगों को जो देश को बांटने का काम करते हैं। अरे आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? हो जाएगा तू, ये आप देखिए, अरे आपको तलाश है
रूबिकॉन है, ये मुखौटा ओढ़े हुए वो लोग हैं जो हिंदुस्तान को बांटने का काम करते हैं। इनके टारगेटिंग ऑडियंस है, ये जाहिलों को अनपढ़ों को टारगेट करते हैं और वही लोग हैं जो देश में सबसे बड़ा जाहिल है, करते हैं चाहे वो इधर हो चाहे उधर हो। इस आदमी की भाषा शैली देखिए, मैं सोच रहा हूँ तो बस मेरे भाइयों इस वीडियो में बस इतना ही यार। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, आप अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए जय जय श्री राम।